हेलो एवरी वन हाउ आर यू होप यू विल बी फाइन सो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राशि क्लासेस में तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एट स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर सिक्स कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर ओके okay, तो इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है हुँ? और आगे जो है आपको सभी पार्ट्स जो है मिल जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करने के लिए बोलना है और बेल बटन पर क्लिक करना है जिसके कि ऑल uh, uh, जो आएगा तो उस पर भी आपको uh, क्लिक करना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे ओके तो हम जो है स्टार्ट सॉरी सिक्स लेसन कंपोजिशन ऑफ मैटर ओके तो आ, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या है मैटर क्या है मैटर क्या होता है अ सब्सटेंस ऑक्युपाइड द स्पेस कोई भी एक सब्सटेंस हो जो छोटे से छोटे से लेके सब्सटेंस तो बड़े से बड़ा हु? कोई भी एक सब्सटेंस हो जिसको जो, जो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हम क्या बोलेंगे मैटर ओके सो कैन यू रिकॉल वॉट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ ऑफ मैटर मैटर के जो है स्टेट्स कौन से कौन से होते हैं तो मैटर जो है लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो सकता है और गैसियस हो सकता है ओके okay? तो मैटर जो है तीन प्रकार के मतलब कोई भी सब्सटेंस जो हमने बोला था कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है या गैसियस हो सकता है ओके okay, तो ये जो है स्टेट्स ऑफ अ मैटर है व्हाट इज द डिफरेंस इन आइस वाटर एंड स्टीम तो आइस क्या है सॉलिड स्टेट है एटम so से बनता है एटम से बनता है और मॉलिक्यूल से जो है सब्सटेंस बनता है तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का वॉट आर द टाइप्स ऑफ अ मैटर अब मैटर्स के टाइप्स कौन से कौन से सॉलिड है लिक्विड है और गैसियस स्टेट है गैसियस है ओके सो

कैन यू टेल क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर्स इन टू थ्री ग्रुप्स अब यहाँ पे कुछ आ, जो है सब्सटेंस दिए हुए हैं उसको हमको क्या करना है डिवाइड hmm? uh, करना है थ्री ग्रुप्स में कोल्ड ड्रिंक जो है क्या है लिक्विड है तो ये कौन सा स्टेट हो गया लिक्विड स्टेट हो गया एयर जो है गैसी स्टेट हो गया शरबत लिक्विड है फिर से hmm? तो वो भी हो गया लिक्विड स्टेट सॉइल है hmm? क्या है सॉलिड hmm? uh, uh, है hmm? तो सॉलिड स्टेट हो गया वाटर लिक्विड है वुड सॉलिड है सीमेंट सॉलिड है ओके सो नेक्स्ट जो है व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू यूज एज क्राइटेरिया फॉर द अबाउट क्लासिफिकेशन अब जो हमने ऊपर का क्लासिफिकेशन किया है आ, 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 मतलब जो थिंग्स दी है उसका हाँ तो वो कौन से क्राइटेरिया में क्लासिफाई होता है एक तो सॉलिड एक तो लिक्विड और एक गैसियर ओके सो ट्राई दिस टेक सम मस्टर्ड सीड इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार हमको क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार लेना है हा? और उसको जो है आ, उसमें जो है मस्टर्ड सीड डाल लें मस्टर्ड यानी मालूम है आपको hmm? तो मस्टर्ड सीड को जो है उसमें डालना है थ्रेड अ लॉन्ग स्ट्रेच सॉरी हाँ थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ अ बिग बलून बाई मीन्स अफ नीडेड एंड टाई इट टाइटली तो एक जो है बलून लेना है और उसको जो है वो उस कंटेनर को तो टाइट करना है hmm? उसके लीड को ठीक है hmm? और ऊपर uh, जो है एक सेंटर में धागा उसको uh, बांध लेना है hmm? uh, और बाद में जो है स्ट्रेच दिस रबर डायफ्रैगम एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ द जार बाय मीन्स ऑफ अ रबर बैंड और फिर जो है वहाँ पे ये जो थ्रेड है जो हमें बीच में हमने बांधा था हाँ तो उसको जो है सिर्फ हमको स्लोली खींचना है देन विथ मॉडरेट फोर्थ एंड देन बिगरअसली पहले जो है धीरे धीरे करना है फिर बाद में थोड़ा सा जोर से और फिर बाद में जो है बहुत ज़्यादा जोर से करना है ठीक है तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल अब यहाँ पे जो एक टेबल दिया है मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्रेगम अप एंड डाउन ये जो बीच में हमने जो थ्रेड उसको बांधा था तो उसका डायफ्रैगम जो है वो किस तरह से मूव होता है वो देखना है जब हमने धीरे से उसको खींचा स्लो करके तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी मूवमेंट ऑफ़ द मस्टर सीड उसकी मूवमेंट जो है वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस न? मतलब वो जो सीड्स है वो आ, मतलब पास पास में ही जो है वाइब्रेट करेंगे ठीक है हाँ विथ मॉडरेट फोर्स उसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमने किया हाँ तो वो आ, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएंगे ठीक है मतलब ऊपर इधर उधर हो जाएंगे देन विगरसली अगर उसको हमने जोर से अगर खींचा हाँ तो क्या हो जाएगा वो मतलब इधर उधर जो है फैलने लगेंगे ठीक है आ, तो इस तरह से जो है ये एक एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर दिया हुआ था आ, अब ऑन द अबाउ एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी लेस और मोर तो हम क्या कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हाँ उसको एनर्जी दे रहे हैं ठीक है तो वो थोड़ी लेस और मोर मतलब कम दे रहे हैं और ज़्यादा भी दे रहे हैं टू द मस्टर्ड सीड बाय पुलिंग द डायफ्रैगम अप एंड डाउन तो ये जो डायफ्रेगम है मतलब जो हमने धागा बांधा था उसको डायफ्रेगम जो वो जो डायफ्रेगम है उसको हम्म ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जो है मस्टर्ड सीड को जो है आ, आ, एनर्जी

पार्टिकल की सेम जो ने भी अब एक्सपीरियंट एक्सपेरिमेंट देखा था उस तरह से ओके एंड इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर गे? और ये जो आ, मैटर होता है आ, उसमें जो है, है आ, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्ट करता है पार्टिकल आ, पार्टिकल पे ओके तो जो भी पार्टिकल्स वहाँ पे होते हैं ना तो उसमें जो है इंटर फोर्स मतलब एक में को जो है एक फोर्स अट्रैक्शन जो है होते रहता है उसमें। उसमेंट hmm? इज ये जो पार्टिकल uh, की जो है उस पर जो है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है डिपेंड होती है ओके? सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन तो पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड यहाँ पे जो है पिक्चर दी हुई है ये जो है सॉलिड स्टेट है ठीक है सॉलिड मतलब यहाँ पे क्या ऑफ अ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर यहाँ पे जो भी पार्टिकल है सॉलिड वाले तो वो जो है कैसे होते हैं आर वेरी क्लोज टू ईच अदर वो जो है बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं यहाँ पे उसका उस पार्टिकल के मतलब कोई एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है सॉलिड जिसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो देख रहे हो आप यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है उसका बहुत ज़्यादा क्लोज होता है सो द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन और वाइब्रेट जो है वो करते वक्त मतलब ये बहुत ज़्यादा पास पास होने की वजह से ये जो वाइब्रेट करते हैं तो उस मतलब आस ही करते हैं ठीक है फिक्स पोजिशन पे ड्यू टू दिस सॉलिड गेट्स प्रॉपर्टीज लाइक अ डेफिनेट शेप एंड वैल्यूम्म एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी एंड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी तो इसीलिए जो है ये सॉलिड कैर रहता है उसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है उसका जो है एक डेफिनेट शेप होता है देन hmm? वैल्यूम जो है उसका वो भी जो है डेफिनेट होता है एंड आल्सो हाई डेंसिटी और ये उसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है एंड नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब वो अगर उसको दवा

है ठीक दो इट इज नॉट स्ट्रॉ इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन डेफिनेट पोजिशन जो है इसका एक uh, वो डेफिनेट uh, जो है नहीं लेता है इसके पार्टिकल जो है डेफिनेट पोजिशन पे नहीं होते हैं और फिक्स नहीं होते हैं ठीक है यहाँ पे जैसे फिक्स है यहाँ पे फिक्स नहीं होते हैं ओके इट इज स्ट्रॉन्गर डेफिनेट पोजिशन इट इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड देम टूगेदर एज अ रिजल्ट लिक्विड हैव डेफिनेट वैल्यूम और इसीलिए जो है लिक्विड का एक डेफिनेट वैल्यूम होता है ठीक है हवेवर दे हैव फ्लूड एंड देयर शेप इज नॉट डेफिनेट तो लिक्विड को जो है uh, जिसमें भी डाल दो uh, वो उसका शेप ले लेता है hmm? मतलब डेफिनेट शेप नहीं होता है और वो अगर नीचे डाल दो तो वो फ्लो होते हो जाता है ओके सो हावेवर दे हैव अ फ्लूइडिटी मतलब ये फ्लूइड होता है लिक्विड कोई भी जो हो वो फ्लूड होता है एंड देयर शेप इज नॉट डेफिनेट इसलिए उसका शेप जो है डेफिनेट नहीं होता है बट चेंज इन अकॉर्डेंस विद द कंटेनर हम मतलब जहाँ जहाँ उसको डालेंगे जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वो शेप वो ले लेता है ओके हम्म द इंटरमोलिकुलर द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी वीक इन गैसेस और जो गैसेस है गैसेस uh, में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा वीक uh, होता है यहाँ पे आप देख रहे हो गैस uh, तो ये इंटरमोलिकुलर फ़ोर्स मतलब ये uh, जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है uh, इसलिए जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इसका uh, वो जो है लूज़ होता है ओके okay? वीक uh, होता है देयर फोर द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ अ गैसियस मूव फ्रीली इसीलिए जो है ये गैस के जो पार्टिकल्स uh, है वो मूव फ्रीली मूव करते हैं एंड ऑक्युपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस और uh, जितना भी स्पेस है उसमें वो ऑक्युपाई हो जाते हैं ओके कॉन्सिक्वेंटली गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वैल्यूम्म इसीलिए जो है गैसेस का uh, ना डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट uh, वैल्यूम होता है ओके okay? यहाँ पे फिगर सिक्स पॉइंट टू जो है हम ने ऊपर देखा शोज़ सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन आप सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड द टेबल 6.3 शोज़ द कैरेक्टेरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर तो 6.2 में जो है सिस्टेमेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है मतलब सॉलिड लिक्विड और uh, गैसीयस का uh, उसके जो पार्टिकल्स का जो है एक स्टेट दिया हुआ है और 6.3 में जो है उसके कैरेक्टर्स दिए हैं सॉलिड लिक्विड और गैसियस के तो ये जो है टेबल हम पढ़ लेंगे अभी तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर हमने देखा कि तीन तरह के जो है मैटर्स होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसियस तो ये सॉलिड जो है यहाँ पे दिया है फ्लुइडिटी होता है रिजिडिटी है प्लास्टिसिटी है या इलास्टिसिटी है तो सॉलिड जो है रिजिड होता है मतलब उसका एक डेफिनेट शेप होता है ट्राइंगल हो या सर्कल हो या फिर जो भी जैसे भी हो एक शेप होता है देन प्लास्टिक भी जो है मतलब रिजिड होता है कड़क होता है है ना तो वो भी जो है सॉलिड स्टेट हो गया दो तो इलास्टिसिटी मतलब रबर अगर लेंगे हम तो वो भी जो है एक सॉलिड स्टेट है नेक्स्ट जो है लिक्विड जो है फ्लूड होता है और गैसियस अल्सो फ्लूड होता है मतलब वो फ्लो होता है इधर उधर देन वैल्यूम तो सॉलिड का जो है एक डेफिनेट वैल्यूम होता है देन तो, लिक्विड uh, जो है उसका भी जो है डेफिनेट वैल्यूम होता है लेकिन जो गैस है उसका uh, कोई भी वैल्यूम नहीं होता है डेफिनेट वैल्यूम नहीं होता है शेप जो है सॉलिड को शेप होता है और ये लिक्विड और गैसीस को शेप नहीं होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर उसको दबाया जाए तो ये बिल्कुल दबता नहीं है मतलब निग्लिजिबल है और ये जो है लिक्विड थोड़ा सा दबता है और वेरी और ये गैसियस जो है वेरी हाई उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसीस में सबसे ज़्यादा कम होता है ओके डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स तो डिस्टेंस जो है पार्टिकल का हमने ऊपर ही देखा तो सॉलिड में जो है बहुत कम होता है मिनिमम होता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है मतलब पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसियस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं ठीक है तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है आपको एग्जाम में सो कैन यू टेक राइट द कम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स बाई मीन्स ऑफ केमिकल फार्मूला एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे जो है एक टेबल दिया हुआ है उसके मतलब मटेरियल दिए हुए हैं उनके जो है केमिकल फार्मूले हमको यहाँ पे लिखना है कंपोजिशन एंड वो कौन से टाइप का मैटर है वो बताना है तो वाटर जो है फर्स्ट जो है वाटर दिया हुआ है आपको मालूम है ये लिक्विड स्टेट uh, में होता है और केमिकल uh, फार्मूला क्या है एच टू ओ ये मैं बता रही हूँ कुछ जो है आपको करना है न? कार्बन जो है मालूम है आपको सी ओ टू तो ये भी ये जो है स्टेट है ये ये? वो लिक्विड स्टेट में होता है न? और आ, ये जो है कार्बन कार्बन जो है गैसीय स्टेट है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन भी गैस है मालूम है आपको न? देन एयर आल्सो एल्यूमिनियम ब्रास कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको करना है न? इसका फॉर्मूला है एच टू ओ कार्बन सी ओ टू ऑक्सीजन ओ टू तो आपका बाकी का जो है लिखना है ठीक है नेक्स्ट दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर तो ये जो है सेकंड मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर का इन दिस मेथड द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर तो हमने पहले जो देखा था सॉलिड लिक्विड और गैसियस में उसको डिफरेंशिएट uh, किया था और ये जो है दूसरा मेथड है क्लासिफिकेशन का जिसमें क्या है कि मैटर इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ मैटर जो है उसका देखना है वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैटर इज क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स और हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि मैटर जो है थ्री टाइप से क्लासीफाई करते हैं एक तो एलिमेंट है फिर कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है ओके okay? तो एलिमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द केमिकल सब्सटेंस जो है जैसे कि हाइड्रोजन है कार्बन है आयरन है गोल्ड है न? तो ये सब जो है क्या है एलिमेंट है और कंपाउंड क्या है कंपाउंड यानी दो कोई भी चीज़ों का जो है मिक, मतलब मिलके बनता है ओके जैसे कि एन एस सी है सी है हा? तो ये सब क्या है कंपाउंड है और मिक्सचर मिक्सचर यानी जैसे कि आप मिक्स वेज वगैरह सब्जी देखते हो तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग मिक्स करते हैं हा? तो ये दो चार uh, uh, जो है एटम्स uh, को मिलके जो है एलिमेंट्स को मिलके जो भी एक मतलब uh, uh, एक चीज uh, बनती है तो उसको जो हम बोलेंगे मिक्सचर ओके बाय कंसिडरिंग वेदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर सिमिलर आर डिफरेंट एंड वॉट आर दे मेड अप तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो है हु? हु? आर सिमिलर और डिफरेंट एक तो वो सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग ओके एंड व्हाट आर दे मेड अप वो किससे बनता है हु? उस पर वो डिपेंड होता है हु? मतलब दो दो, दो आ, एलिमेंट से मिलके बनता है तो वो कंपाउंड हो गया और दो से ज़्यादा का अगर बनता है तो वो मिक्सचर है या फिर एक है तो वो एलिमेंट है ओके तो वो आ, कैसे है उसके प्रॉपर्टी पर वो डिपेंट मैटर ऑफ इज सिमिलर डिफरेंट और एंड वॉट आर दे मेड अप वो किससे बना है उससे वो है समझ में आता है ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल जो भी है इन एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड आर अलाइक मतलब अब एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो तो आ, 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 मतलब सबसे जो स्मॉल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का या, या मॉलिक्यूल का इन एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड मतलब वो एलिमेंट का हो या फिर कंपाउंड का हो तो वो जो है सेम होते हैं ओके आ, 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 कंपाउंड आर अलाइक ओके हाउ एवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन मिक्सर आर अफोर्ड टू अर मोर टाइप ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है मिक्सर्स के इन अ मिक्सर्स आर अफोर्ड टू आर मोर टाइप वो मतलब एक दो या फिर दो से ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं ओके द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम और जो भी स्मोलेस्ट पार्टिकल है वो किससे बनता है अ एलिमेंट इज कंटेन आइडेंटिकल एटम से बनता है ओके तो हमने पहले ही देखा था आ, सबसे पहले है, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से फिर सब्सटेंस बनता है तो कोई भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है फॉर एग्जांपल ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट टू ऑक्सीजन एटम इन बॉन्डेड स्टेट अगर ऑक्सीजन को देखेंगे हम तो ऑक्सीजन क्या है हम ऐसे लिखते हैं ठीक है ओ टू मिलक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट ऑक्सीजन के जो है टू एटम्स जो है ऑक्सीजन के मिलके जो है ऑक्सीजन बनता है

ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर कंटेन टू हाइड्रोजन एटम्स जॉइंट टू वन एटम ऑफ अ ऑक्सीजन अगर हमने वाटर लिया एच टू ओ तो यहाँ पे टू जो है मॉलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन है और वन जो है ऑक्सीजन है तो इसका जो है एक बॉन्ड फॉर्म होता है और ये जो है वाटर बनता है ठीक है सो जॉइंट टू यहाँ पे क्या दिया है द मोलिकुल ऑफ वाटर कंटेन टू हाइड्रोजन एटम्स जॉइंट टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर आर एटम मॉलिकूल एटम और मॉलिकुल ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर अ कंपाउंड ओके तो जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मिक्सचर का, हुँ? अगर मिक्सचर अगर लेते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिक्सचर जो है आर uh, uh, वो एटम के हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं आप टू आर मोर मतलब दो होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं एलिमेंट्स uh, और कंपाउंड या तो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड होंगे हु? जैसे कि हमने अगर uh, uh, हाँ एन और सी एल लिया तो ये जो है एन एक एलिमेंट है और ये जो है सी एल एक एलिमेंट है तो ये सोडियम का एलिमेंट आइटम है और ये जो है क्लोरीन का आइटम है तो ये दोनों जो है एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और क्या क्या होता है एन सी एल होता बनता है यहाँ पे तो क्या बन गया ये सॉल्ट बन जाता है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिकुल्स ऑफ द मिक्सचर नेमली यहाँ पे कुछ जो है मिक्सचर के एग्जाम्पल दिए हैं एयर आर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ए आर मीन्स आर्गॉन वाटर और सीओ टू एयर में क्या क्या होता है नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन होता है आर्गॉन होता है वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है सिमिलरली द मिक्सचर एंड ओलॉय ब्रास कंटेन आइटम ऑफ अ कॉपर एंड जिंक अगर हमने ब्रास लिया ब्रास जो है एक क्या है एलॉय है, है मतलब दो अलग अलग जो है मोलिकुल्स मिल के वो जो है ब्रास बन रहा है hmm? तो ये जो अलॉय है आ, मतलब ब्रॉस इसमें जो है कौन से आइटम होते हैं कॉपर और जिंक वाइल ब्रॉज कंटेन एटम ऑफ द एलिमेंट कॉपर एंड टीन और ब्रांज जो है वो भी एक अलाय है तो वो किससे बन रहा है कॉपर एलिमेंट जो है कॉपर और एक टीन है हा? दो एलिमेंट से बन रहा है ठीक है हा? तो ये जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मिक्सचर के हु? Next, the figure 6.4 shows a, a, a schematic. Uh, s सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स ऑफ द टाइप ऑफ अ मैटर एक जो सामने अभी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि जो टाइप ऑफ अ मैटर्स दिए हुए हैं उसके नेमली एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड आल्सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिए हुए हैं और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू इसको अच्छे से पढ़ना है हमको क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको तो यहाँ पे जो है एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के जो है कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन यानी एक एलिमेंट है एन टू ओके देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ओ टू मतलब एलिमेंट है हा? और ये भी जो है एक है ओके कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंस ऑफ अ एलिमेंट इज ओनली वन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंस ऑफ अ एलिमेंट जो है यहाँ पे ओनली uh, वन है एंड इट इज दैट एलिमेंट इट्स सेल्फ वो एक ही एलिमेंट है मतलब दो का मिक्सचर नहीं है यहाँ पे ऑल द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एंड एलिमेंट्स आर अलाइक तो इसमें के ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो दिया है इसके सभी जो एटम्स और मॉलिकुल मॉलिकुल्स मौ, मौ, ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक वो जो है सेम होते हैं ऑल द एटम्स इन अ मॉलिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक एंड आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड सो ये एक बॉन्ड से जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं ऑल द एटम्स इन अ मॉलिकुल्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक एंड आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड और वो जो ज्वाइंट होते हैं वो केमिकल बॉन्ड से ज्वाइंड है, होते हैं ओके okay? एटम्स और मॉलिकूल ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट और एटम्स और मॉलिकूल जो है हा? अलग अलग एलिमेंट्स के जो है अलग अलग रहेंगे हा? ये तो हमने पहले ही पढ़ा था ठीक है नेक्स्ट जो है कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड यहाँ पे जो है कंपाउंड है मतलब दो आ, एलिमेंट जो है मिक्स हो रहे हैं ओके एन ओ टू तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आ, यहाँ पे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एक नाइट्रिक uh, ऑक्साइड दिया हुआ है एनओ NO, वो भी जो है दो एलिमेंट्स uh, का uh, मिलके बन रहा है सो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द कंपाउंड इज ओनली वन एंड इट इज दैट कंपाउंड इट तो uh, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट uh, सब्सटेंसेस जो है वो uh, एक एक ही है उसमें कंपाउंड इज ओनली वन एंड इट इज दैट कंपाउंड इट ओके तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो ओनली uh, वन है एंड इट इज दैट कंपाउंड इट और वो कंपाउंड जो है कंपाउंड यानी दो uh, मिलके बन रहे हैं ना तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो ये जो है एक uh, एक uh, uh, ही है और ये जो है इट इज़ दैट कंपाउंड इट्सल्फ और वो कंपाउंड है ठीक है ऑल द मॉलिकुल्स ऑफ कंपाउंड आर अलाइक तो uh, यहाँ के जो भी मॉलिकल्स uh, uh, होंगे वो कंपाउंड के वो सेम होंगे द कॉन्स्टिट्यून

आ, वो क्या रहेंगे टू आर मोर टाइप मतलब आ, अलग अलग रहेंगे ठीक है हाँ ये समझ में आया एंड आर ज्वाइंट टू इच अदर और वो जो ज्वाइंट हुए हैं वो एक केमिकल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं जैसे कि हमने आ, यहाँ पे एलिमेंट में भी देखा था ठीक है और ज्वाइंट टू इच अदर बाय केमिकल बॉन्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट और जो प्रोपोर्शन होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट का इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट मतलब जो भी कंपाउंड बन रहा है uh, उसके जो एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट uh, जो है वो uh, जो है उसका प्रोपोर्शन जो है कॉन्स्टेंट होता है जैसे एन ए और सी एल दिया था हमने hmm? तो एन ए भी वन uh, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका आ, और आ, एलिमेंट है और नाइट्रोजन का भी सॉरी क्लोरीन का भी जो है आ, एक आ, एलिमेंट है ओके okay, तो उस तरह से उसका प्रपोर्शन जो है वो कांस्टेंट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द कॉन्स्टिटेंट एलिमेंट लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है जैसे कि एन की अलग जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगी और क्लोरीन की जो है ये अलग प्रॉपर्टी होगी पर अगर ये बॉन्ड करता है और एन बनता है तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग रहेगी ठीक है समझ में आ गया अभी इसकी अलग है इसकी अलग है मतलब सिंगल है तब अलग अलग है लेकिन ये जो मिक्स होता है तब उसकी प्रॉपर्टी जो है अलग होगी ठीक है नेक्स्ट जो है मिक्सर मिक्सर में दो से ज्यादा एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड एनओ टू तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल एन टू और नाइट्रोजन uh, और मिक्सचर ऑफ एन टू एंड ओ टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके तो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर्स आर टू और मोर एलिमेंट एंड और कंपाउंड तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है इसके मिक्सर uh, के तो वो दो या फिर दो से ज्यादा uh, जो है उसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट uh, जो है एटम्स और मॉलिकुल्स मिक्सर आर ऑफ अर मोर टाइप्स या फिर मॉलिकुल्स जो भी है uh, उस मिक्सचर के वो दो या दो से ज्यादा टाइप के होते हैं मॉलिक्रॉम ईच अदर एंड आर नॉट ज्वाइंट बाई अ केमिकल पॉन्ड और उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट मॉलिकूल्स है ऑफ़ मिक्सर मिक्सर के आर डिफरेंट वो जो है अलग अलग है फ्रॉम ईच अदर एंड आर नॉट जॉइंट बाय अ केमिकल बॉन्ड और वो जो है केमिकल बॉन्ड से जॉइंट नहीं होते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन चेंज और इसका जो प्रोपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस है प्रपोर्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर कैन चेंज वो भी जो है uh, अलग होता है ओके okay? मतलब uh, उस मिक्सचर का जो है प्रपोर्शन uh, है वो भी जो है अलग होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर और जो प्रॉपर्टीज है कॉन्स्टिट्यूएंट uh, सब्सटेंस uh, की आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर वो रिटेन्ड होती है मिक्सचर में ठीक है समझ में आ गया आपको तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड की एलिमेंट की और मिक्सचर की तो ये इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है या फिर कंबाइंड uh, पूछ सकता है तो आपको इसको पढ़ना है ठीक है तो यहाँ पर जो है हम uh, ये वीडियो uh, यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे जो है नेक्स्ट uh, वीडियो हम जल्द ही आपको uh, दे देंगे तो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हाँ राजेशी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हाँ और जो है आ, बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा जिस पे ऑल आएगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिलते रहेंगे इसके बाद का जो पार्ट है वो भी आपको मतलब आपने अगर क्लिक किया उसे ऑल पे तो आपको नोटिफिकेशन ही आ जाएगा कि आ, वो आ गया है करके ठीक है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और इसे शेयर कीजिए सो थैंक यू फॉर वॉच this video have a nice day